स्वागत है आप सबका ब्लॉगिंग रैप्टर यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारा यहाँ से वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है और ये इसका पहला वीडियो है। तो इस पूरे कोर्स में आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वर्डप्रेस के जो जो चीज़ें हैं सारे कवर करने वाला हूँ। मतलब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डोमेन कनेक्ट करना है, कैसे होस्टिंग यूज़ करना है, कौन सी थीम प्लगइन्स, क्या क्या सेटअप होता है, क्या क्या सेटिंग्स होती है वर्डप्रेस की, कैसे पोस्ट लिखना है, पेजेस वगैरह सब कैसे बनाने हैं, हेडर मेन्यू फूटर सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो ये पूरा कोर्स आपके काफ़ी काम करेगा। अगर आप बिगनर हो तो भी आपके काम आएगा। अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस भी पूरा सीखना चाहते हो तो ये पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कोर्स जो आप देखोगे तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम बात करने वाले कि वर्डप्रेस होता क्या है और हमें वर्डप्रेस क्यों यूज़ करना चाहिए। सो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है। तो वर्डप्रेस एक CMS है, फ्री ओपन सोर्स CMS है, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो वेबसाइट को बनाने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो CMS का मतलब होता है एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हम ही है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कंटेंट को मैनेज करने का एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वेबसाइट को बना सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। अगर आपको नॉलेज नहीं है कोडिंग का तो आप स्क्रैच से पूरी वेबसाइट को बना सकते हो कुछ क्लिक्स के मदद से। और वही वर्डप्रेस के बारे में हम पूरे इस कोर्स में बात करने वाले कि वर्डप्रेस एक CMS जो है कैसे वो पूरा वर्क करता है, ये सब हम पूरे इस कोर्स में बात करने वाले हैं। तो CMS हो गया कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और वर्डप्रेस एक CMS है, ठीक है। ये क्लियर हो गया वर्डप्रेस क्या है और क्या CMS होता है। तो कुछ CMS के एग्जांपल्स मैं आपको बता दूँ तो जैसे आपको मालूम होगा ब्लॉगर पे जो फ्री है आप यूज़ करते हो कि ब्लॉगर वर्डप्रेस, तो ये अभी हम बात कर रहे हैं वर्डप्रेस तो होता ही है। साथ में ड्रूपल होता है, जूमला होता है, मेजेंटो होता है और भी कई सारे CMS होते हैं अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि हमें वर्डप्रेस क्यों यूज़ करना चाहिए और हम वर्डप्रेस की ही बात क्यों कर रहे हैं, लोग वर्डप्रेस को यूज़ करना क्यों प्रेफरेंस देते हैं, मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आपको वर्डप्रेस के क्या क्या होते हैं। तो वर्डप्रेस चूज़ करने का सबसे पहला कारण ये है कि इजी टू लर्न है, इजी टू यूज़ है, काफ़ी सिंपल सा इनका इंटरफेस है। आपको वन बाय वन जो भी आप इजीली, अगर नॉर्मल आपको इंग्लिश आती है तो भी आप समझ जाएंगे कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो आप इजीली उसे मैनेज कर पाओगे, इसलिए लोग ज़्यादा वर्डप्रेस को प्रेफरेंस देते हैं। ऑलरेडी कई सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है गूगल पे और यूट्यूब पे, तो आपको कोई भी दिक्कत कहीं भी आई तो आप सिंपली सर्च करोगे तो आप इजी से उसे सीख सकते हो, इसलिए इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है। दूसरा पॉइंट एक ये है कि फुल्ली कस्टमाइजेबल है। अगर आप जो भी वेबसाइट बनाते हो उसे अपने मन चाहे तरीके से उसे डिज़ाइन कर सकते हो। आपको कोई इमेज यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ पे कोई टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे बटन चाहिए, यहाँ पे फॉर्म चाहिए, कुछ भी आपको करना, आप कहीं भी किस तरीके से भी अपने वेबसाइट को ईजिली मैनेज कर पाओगे, ईजिली डिज़ाइन कर पाओगे। तीसरा कारण ये है और फ्री और ओपन सोर्स है, मतलब एक पैसा आपको खर्च करना नहीं पड़ता। हालांकि डोमेन और होस्टिंग का खाली खर्चा होता है, बाकी जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स है, फ्री में, फ्री टू यूज़ है और फ्रीक्वेंटली अपडेट भी होता रहता है। तो हमें अलग से पैसे खर्च करके वर्डप्रेस को खरीदना नहीं पड़ता है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री है। डाउनलोड करो wordpress.org पे जाके और अपने होस्टिंग में से होस्ट कर दो, आप इजीली वर्डप्रेस चला पाओगे। और एक पॉइंट आता है जो कि SEO फ्रेंडली, आपको कई सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं, कई सारे थीम्स मिल जाते हैं, SEO ऑप्टिमाइज्ड थीम्स मिल जाते हैं, प्लगइन्स मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट का 100% SEO फुल अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए, जो SEO आपको करना है सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जो कि कई सारे CMS में अवेलेबल नहीं होता है। और अगर होता भी है तो फिर उनके वो अलग से चार्ज लेते हैं, इसलिए वर्डप्रेस को लोग प्रेफरेंस करते हैं। वर्डप्रेस की एक और खास बात यह है कि वर्डप्रेस पे आपको पूरा कंट्रोल रहता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप मन चाहे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, इतने सारे इसके थीम्स अवेलेबल है, टेम्पलेट्स है, प्लगइन्स है, आपको जैसी वेबसाइट चाहिए आप वैसी वेबसाइट बना दोगे। पोर्टफोलियो ब्लॉग हो गया, फिर बिजनेस वेबसाइट हो गई, ई कॉमर्स साइट हो गई, जो भी ई कॉमर्स आपको, मतलब जिस टाइप की भी आपको वेबसाइट चाहिए आप उसे बना पाओगे, जैसे चाहिए वैसा बना पाओगे, क्योंकि थर्ड पार्टी प्लगइन्स आ रहे थे, थीम्स आ रहे थे, तो उसके मदद से आप मन चाहा अपने वेबसाइट को बना सकते हो। ये काफ़ी इसका एक प्लस पॉइंट रहता है वर्डप्रेस का। और ब्लॉगिंग और ई कॉमर्स साइट के लिए तो वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि काफ़ी इजीली मैनेज हो जाता है। और वू कॉमर्स की वजह से अगर आप ई कॉमर्स साइट स्टार्ट कर रहे हो तो वू कॉमर्स प्लगइन से आप अपने पूरे वेबसाइट को ई कॉमर्स साइट बना के अपना ऑनलाइन स्टोर भी स्टार्ट कर सकते हो वर्डप्रेस पे ही। और अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो आपका ब्लॉग भी आपके वर्डप्रेस पे इजीली बन जाता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट ये है कि सेफ एंड सिक्योर है। टाइम टू टाइम वर्डप्रेस अपने अपडेट्स आते रहते हैं और टाइम टू टाइम जैसे कहा कि मैंने अपडेट्स आते रहते हैं तो आपकी वेबसाइट के हैक होने के चांसेस भी कम रहता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी होस्टिंग यूज़ कर रहे हो या फिर कोई ऐसा थीम यूज़ कर रहे हो या फिर प्लगइन यूज़ कर रहे हो थर्ड पार्टी प्लगइन, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ता है बस। बाकी वर्डप्रेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आती, काफ़ी सिक्योर्ड है और ट्रस्टेबल है वर्डप्रेस। तो गाइज यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आया होगा और इस पूरे कोर्स को अब ज़रूर देखोगे, अच्छे से सपोर्ट करोगे, ये भी उम्मीद करता हूँ। तो पसंद आया जरूर इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स पूरा उनको हेल्प करेगा, आपको भी हेल्प करेगा पूरा वर्डप्रेस को बिगनर टू एडवांस सीखने में। और क्या फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।